Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? अगर आप स्टूडेंट हो, मान लो पढ़ाई कर रहे हो, तो आज एक्चुअल में अभी इस स्टेज में आपके लिए टाइम की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। अगर टाइम वेस्ट करते भी हो तो क्या हो जाएगा? अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो क्या लॉस हो रहा है आपको? अगर आप अपना टाइम खराब करते हो तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में नंबर कम आ जाएंगे, बस खत्म। अगर मैं अगले एक दो साल, तीन साल या चार साल तक की बात करूं तो इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं चला जाएगा ना हमारा। लेकिन अगर इसी विजन को हम लॉन्ग टर्म कर दें कि आज जो आप टाइम खराब कर रहे हो उसकी वजह से अगले 10 साल में या 20 साल में आपका कितने का नुकसान होने वाला है, 10 साल बाद आप में से कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? सारे ही चाहते हैं। अच्छे पैसे की डेफिनेशन क्या है आज के टाइम में? क्या 5,000 रुपए महीना अच्छा पैसा है? अच्छा पैसे का मतलब क्या? हाँ, लाख रुपए महीना, चलो मान लेते हैं, इसी को हम एक बेंचमार्क पकड़ लेते हैं। यहां पर अभी 90% लोगों ने अपने हाथ उठाए कि हम 1,00,000 या उससे ज्यादा कमाना चाहते हैं और कमा सकते हैं, हम डिजर्व करते हैं। बट क्या एक्चुअल में 90% लोग 10 साल बाद लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे? रियलिटी क्या है? 10-20% ऐसे लोग होंगे जिनका ये ड्रीम अचीव होगा, ड्रीम पूरा होगा, बाकियों का ये सपना ही रह जाएगा। कि अगले 10 साल में आप अपना जो टाइम है, जो लिमिटेड है आपके पास में, जो 10 साल है, ये एक तरीके से क्या हुआ, जैसे बिजनेस करते हैं तो एक अमाउंट होती है, एक कैपिटल होता है जिससे हम बिजनेस को शुरू करते हैं, तो ये कैपिटल हो गया। इसको कैसे इन्वेस्ट करते हो, कहां इन्वेस्ट करते हो? स्मार्टली करते हो, वाइजली करते हो, या बेवकूफों की तरह करते हो, या इसको वेस्ट करते हो? समझना ध्यान से, जिसने भी लाइफ में कुछ भी ढंग का किया है उसको ये कैलकुलेशन समझ आती है। वो क्या है? उसके लिए टाइम की वैल्यू पैसे की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर पैसा चला भी जाता है तो टाइम से आप वापस से पैसे को अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम चला गया तो कितना भी पैसा खर्च कर लो, जो टाइम गया सो गया। तो अब कैलकुलेट करो कि एग्जैक्टली आपके टाइम की क्या वैल्यू है आज की डेट में, बेस्ड अपॉन कि फ्यूचर में आप कहां पे हो। लाख रुपए महीना हो गया, जिसके लिए आप मानो आप महीने में 25 दिन काम करने वाले, 4-5 दिन छुट्टी वुट्टी हटा देते हैं, तो एक दिन की आपकी कितनी वैल्यू हो गई? 4,000 रुपए हो गई। दिन में 8 घंटे आप काम करने वाले हो तो एक घंटे की कितनी वैल्यू हो गई? 500 रुपए हो गई। तो आपको ये फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज की डेट में आपके जो टाइम की वैल्यू है वो 500 रुपए घंटा है। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो ये सब जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं या ये जो लाख रुपए महीने की बातें हैं ये सब हवा में है। एक्चुअल में आप वहां कभी पहुंच ही नहीं पाओगे अगर अपने टाइम को आज आप नहीं इस तरह से देख पा रहे हो तो। और ये मैं बात कर रहा हूं ऑन अ मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस, इन द सेंस कि मैं कह रहा हूं 500 रुपए घंटा आज की डेट में आपकी टाइम की वैल्यू है। लेकिन अगर आप सोचो अपने टाइम को इस तरह से नहीं यूज करते, यानी इतने कैपेबल नहीं बनते कि आपको लाख रुपए महीना आ सके, तो अगर आप पूरी लाइफ की कैलकुलेशन करो तो आपको कितने का नुकसान हो गया है? क्या सिर्फ लाख रुपए महीने का हुआ है? करोड़ों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज जो आप इन्वेस्ट करोगे वही डिसाइड करेगा कि तब ये रिटर्न आएगी या नहीं आएगी। तो 500 रुपए घंटा आज की रेट में आपके टाइम की वैल्यू है। एक दिन की वैल्यू आज की रेट में आपकी 4,000 रुपए की है। अगर इस तरह से आप सोचने लग जाओ और इसको लिख करके लगा दो अपने घर में कहीं पे, अलमीरा के अंदर, यहां वहां ये वो, कि दिस इज द वैल्यू ऑफ माय टाइम, कि अगर मैंने एक पूरा दिन आज वेस्ट किया अपना तो मेरा कितने का नुकसान हो गया? 4,000 रुपए का। इस तरह से अगर आप देखने लग जाओ ना तो अंदर से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है लाइफ के अंदर, चीजें प्रोक्रास्टिनेट होनी बंद हो जाती है, कल पे डालना बिल्कुल बंद हो जाएगा। कल पे आप डाल ही नहीं सकते क्योंकि आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है मेरे टाइम की क्या वैल्यू है। मैंने अपने पहले भी सेशन में ये बात बोली थी, आज दोबारा से बोलूंगा क्योंकि ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं।